नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर चीन की बुरी नजर काफी पहले से है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी पेंटागन ने एक साल पहले ही इसको लेकर अलर्ट जारी किया था। भारत की पूरी तैयारियां से था कि नतीजा ये हुआ कि चीनी सैनिकों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। अब वैश्विक स्तर पर भी चीन की बुरी तरह से थूथू हो रही है और पेंटागन ने साफ तौर पर कहा है कि बीजिंग लगातार उकसाने वाली हरकतें कर रहा है और अमेरिका पूरी तरह से अपने सहयोगियों की मदद करेगा। शी जिनपिंग को अब इसके बाद नींद तो नहीं आएगी, मगर ये पहली बार नहीं है चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आ रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, चीनी सरहदें विश्व के 14 और देशों से भी जुड़ी हुई हैं। वो सभी देश इससे परेशान है। और पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग LAC के साथ स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है और चीन के LAC पर सेना इकट्ठा करने और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखने के लिए उसकी आलोचना की। पेंटागन के प्रेस सचिव पेट राइटर ने भी कहा है कि चीन लगातार पड़ोसी देश को उकसा रहा है और डंडो पैसिफिक क्षेत्र में ही लगातार अपनी जो पेट है वो बढ़ाने और इसके इरादे साल झलक रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राइडर ने ये भी जानकारी दी है कि हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे। हम तनाव कम करने के भारत के प्रयास का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल के तवांग में हुए भारत चीन सैनिकों के बीच टकराव पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन जीन पियर ने कहा है कि अमेरिकी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आजकल राजस्थान में है। भारत जोड़ो यात्रा ने बुधवार को अपना सफर सवाई माधोपुर के भाड़ोती से शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और रघुराम राजन हुए इसमें कुछ दूर तक राहुल गांधी के साथ चले और कांग्रेस की यह पद यात्रा आज बिलोना कला में रात्रि विश्राम करेगी। राहुल गांधी के साथ रघुराम राजन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने फेसबुक पर लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम मिलाते RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन नफरत के खिलाफ देश जोड़ने के लिए खड़े होने वालों की बढ़ती संख्या बताती है कि हम होंगे कामयाब। रघुराम राजन जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर हैं और इसके साथ ही आपको बता दें थे पहले गवर्नर। और जब देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राजन को कांग्रेस का करीबी माना जाता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ज्ञापन के विदेश राज्य मंत्री यामादा केंजी से मुलाकात की और जयशंकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि जयशंकर ने लिखा है कि यामादा केंजी के साथ अच्छी चर्चा हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी से भी मुलाकात की है। इस दौरान भारत के G20 अध्यक्षता लक्ष्यों और बहुपक्षवाद में सुधार के महत्व पर चर्चा की। अपने एक ट्वीट में ही जयशंकर ने कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से मिलकर खुशी हुई और UNSC अनुभव हमारे G20 प्रेसिडेंसी लक्ष्य और बहुपक्षवाद के महत्व पर चर्चा की। जयशंकर 14 और 15 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र परिषद की भारत की अध्यक्षता में चल रहे दो उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद घटिया किस्म की शराब का कारोबार तेजी से चल रहा है और जहरीली शराब के कारण आए दिन बिहार के किसी न किसी जिले में लोगों की मौत होना आम बात हो गई है। और उसी कड़ी में ही बिहार के छपरा जिले के मशरक और
इशुआपुर में दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है और साथ ही नकली शराब बनाने वालों की धरपकड़ भी शुरू कर दी गई है। उधर बिहार में जहरीली शराब के बढ़ते कारोबार को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म है। गठबंधन के नेता जहरीली शराब की खरीद फरोख्त के खिलाफ भी शराबबंदी को मुख्य कारण मानते हैं और हाल ही में बिहार के कुड़नी में हुए उपचुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था। अलीगढ़ के एक स्कूल में बीते दिनों एक छात्र ने स्कूल में ही दूसरी मंजिल से छलांग लगा ली है। आपको बता दें कि वहीं घटना के 13 दिन बाद आज सुबह ही इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई और वहीं छात्र की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है और इस घटना के बाद पुलिस की मौजूदगी में छात्र का पोस्टमार्टम कराया गया है। ये मैंग लड़का था हमारा पड़ोसी, ये जो इनग्राम स्कूल में पढ़ता था 8th क्लास में, वो जैसा बताया गया कि दो शिक्षकें इस पर दबाव बनाए हुए थी। ये दौड़ की तैयारी कर रहा था और वो मैडम इनको दौड़ में नहीं जाने दे रही थी। उस डिप्रेशन में आके तो ये कदम उठाया बच्चे ने। हाँ मौके पर तो थे नहीं हम, लेकिन ऐसे ही बताया कि वो 3 मंजिल पर चढ़ गए और वो कूद रहा है या क्या है ये कहना हो तो। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे सहयोगी आकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कारण रहा कि बच्चे ने स्कूल के दूसरी मंजिल से ही छलांग लगा दी? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला था थाना बन्ना देवी क्षेत्र के ग्राम स्कूल का है, जहाँ पर जो छात्र स्कूल में जो क्लास में वो पढ़ाई कर रहा था, अचानक से ऐसा क्या कारण बन गया, वो जो है डिप्रेशन में आने के कारण जो आरोप जो उसके परिवारी वादियों ने जो आरोप लगाया था कि छात्र के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी, जिसको कारण वो जो है डिप्रेशन में रहने के चलते क्लास से एकदम से ही जो है दूसरी मंजिल से कूद गया, जिसके कारण उसकी जो है 13 दिन तक उसका इलाज चलता रहा जैन मेडिकल कॉलेज में और देर शाम कल जो है उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके कारण एक हकम सा क्षेत्र में मच गया और पुलिस की मौजूदगी में उसका जो है पोस्टमार्टम करा करके शव जो है उसके परिवारिक जनों को सुपुर्द कर दिया गया। जी आकाश, परिजनों की क्या कुछ मांगे हैं? बिल्कुल, परिजनों ने ये स्कूल प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उसकी उनके जो बेटा है उसकी जो उसकी मौत का जिम्मेदार स्कूल प्रशासन को ठहराया गया है और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की वो लोग जो है मांग कर रहे हैं। जी आकाश, और पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई अभी कर पाई है इस पर पूरे मामले पर? बिल्कुल, जैसा कि पुलिस ने जो है जो है जिस दिन की ये घटना थी उससे लेकर अब तक जो है इसमें जांच जो है चली रही थी और जो छात्र था उसकी इलाज चल रहा था, जिसको देखते हुए जो अन्य छात्र वहाँ क्लास में मौजूद थे उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे थे। पुलिस जो है इसमें विवेचना में लगी हुई है, लेकिन अब सीधे तौर से कल जब छात्र की जो मृत्यु हो गई तो परिजनों में एक आक्रोश देखने को लग रहा है कि जो जो है स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो भी इसमें जांच में सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। आगरा एक बेशक शहर है, यहाँ पर भारत नहीं बल्कि विदेश सैलानी भी प्रतिदिन ताजमहल सहित तमाम स्मारकों का दीदार करने के लिए पहुँचते हैं, इसलिए आगरा को लेकर रेल मंत्रालय गंभीर बना हुआ है। आगरा के ही आगरा कैंट आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसको देखने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा PAC कमेटी को 3 दिवसीय दौरे पर भेजा गया है। कमेटी ने पाया कि आगरा नहीं सब कुछ ऑल इज वेल है और महिलाओं को सुविधाएं देने के पर भी यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर अभी महिलाओं को सुविधाएं देने के लिए और प्रयास करने होंगे और ये कहना था कमेटी के सदस्य पूजा ठाकुर का। और इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने यात्रियों से भी बातचीत कर फीडबैक लिया। देखिए, हम लोग पहले तो फतेहपुर सीकरी स्टेशन गए थे,
उसके बाद हमने कल आगरा फोर्ट स्टेशन भी देखा और आज हम आगरा कैंट स्टेशन पे मुआयना कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं और अभी इंस्पेक्शन चल ही रहा है। क्या कुछ इसमें देखा जाता है? ये ज्यादातर तो सब चीज हमें ठीक लग रही है। तीनों स्टेशन बहुत ही साफ सुथरे हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए मैं कह सकती हूँ 90% से ज्यादा चीजें सही चल रही हैं। टॉयलेट साफ है, प्लेटफॉर्म साफ है, जो यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार के द्वारा, रेलवे के द्वारा नियम बनाए हुए हैं वो सारी चीजें फॉलो हो रही हैं। हमें ये देख के खुशी हुई है कि ये जो जोन है इसमें सभी रेलवे के अधिकारी यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। और इससे पूर्व मैं महिला आयोग में रही हूँ उत्तराखंड में, 3 बार मिनिस्टर के पद में भी रही हूँ राज्य मंत्री। निरीक्षण ये हमारे जैसे एमिनिटी कमेटी से हम लोग हैं तो हम लोग जितने लोग यहाँ पर हमारे पूरे ग्रुप आए हैं, हम लोग यही देखने कि पैसेंजर्स को हम क्या सुविधा दे सकते हैं। और आगरा तो अपने आप में नाम सुनते ही रोमांस आ जाता है, अंदर से रोमांटिक भावनाएं पैदा हो जाती है और अकेले नहीं आता, पूरा परिवार के साथ आता है ताकि हमारा ये विश्व का धरोहर ये देखने के लिए आए। तो वो तो आए लेकिन क्या यहाँ हमें सुविधा मिले? श्रावस्ती जिले में कांग्रेस की भारत जोड़ो आंदोलन पहुंची और जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री नकुल दुबे कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा श्रावस्ती के दिकोली से निकली। आपको बता दें कि यह यात्रा इकोना होते हुए बलरामपुर जाएगी। इस दौरान पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नफरत फैलाने पर रोक लगाने के लिए की जा रही है। फतेहपुर में बीजेपी नेता पर जबरन रास्ते की जमीन, तालाब के भूभाग पर कब्जा करने के साथ किसान के खेत पर जबरन कब्जा कर मकान का निर्माण कार्य कराया जाने का आरोप पीड़ित ने लगाते हुए पुलिस में शिकायत किया था, जिस पर पुलिस के द्वारा भाजपा नेता पर कोई कार्रवाई न करते हुए एक विधायक के इशारे पर पीड़ित सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और यह आरोपी जो है आरोप लगाते हुए पीड़ित युवक ने ही मुख्यमंत्री सहित जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। और जिले के मलवा थाना क्षेत्र चितोरा गांव के रहने वाले प्रांशु मौर्य ने मुख्यमंत्री सहित जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उसके गांव के रहने वाले एक तथाकथित भाजपा नेता के द्वारा रास्ते की जमीन, तालाब के भूभाग पर जबरन कब्जा कर लिया गया था और साथ ही पीड़ित के पिता के नाम दर्ज खेत पर जबरन कब्जा करते हुए मकान का निर्माण कराया जा रहा है। और पीड़ित प्रांशु मौर्य ने आरोप लगाया कि जब इसकी शिकायत थाना पुलिस ने किया तो फिर पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय एक क्षेत्रीय विधायक के इशारे पर तथा कथित भाजपा नेता का साथ देते हुए 5 लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़ित ने कहा कि इस मामले में न्याय की गुहार जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से लगाने के साथ मुख्यमंत्री तक शिकायत किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा साफ तौर पर कहा भी गया है कि भाजपा नेता जबरन खेत पर कब्जा कर निर्माण कर रहे हैं। ये 10-15 साल पहले आबादी कटी थी और पहले से आबादी कटी थी तो सबको थोड़ी थोड़ी जगह मिली थी, लेकिन अब वहाँ के उपाध्यक्ष एक अब मंडल के कुछ बताते हैं कि हम भाजपा के कोई नेता हैं और वो अब हमारे खेत से बाउंड्री उठा रहे थे। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने थाने में जाकर के फर्जी मुकदमा लिखाया, उसके 6 दिन बाद उन्होंने मुकदमा लिखाया। अब हम लोगों ने हर जगह शिकायत दी, हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उनके वो बताते हैं उनके विधायक जी जो जय कुमार जय की इस समय वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने उनका पक्ष लिया और पक्ष लेते हुए उन्होंने हर जगह से फ़ोन करा कि हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से हमारे सहयोगी बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। बबलू, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो,
बबलू मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ आवाज आ रही है, आ रही जी। बबलू, किसान के खेत पर जबरन निर्माण कराने का भी आरोप लगाया, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी ये पूरा मामला मलवा थाना क्षेत्र के चितौरा ग्राम का है, जहाँ पे आरोप लगाया है प्रियांशु मौर्य ने कि हमारी भूमि जमीन है जहाँ खेत पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और ये किसान का पुत्र है, और इन्होंने बताया कि हमारा जबरन जो भाजपा के उपाध्यक्ष बता रहा था आरोप है कि उन्होंने हमारे जबरन कब्जे कर रहे हैं और हम उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई होती है मार्केट का और जबरन मुकदमा फर्जी मुकदमा फंसाया जाता है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। जी बबलू, अभी तक इस पर पूरे मामले पर कुछ कार्रवाई हुई है? जी अभी इससे पहले हम लोग ने जानकारी की है कि उन्होंने बताया है कि मारपीट हुई थी, मारपीट के उस पर थाना इंचार्ज ने कार्रवाई की है, 151 दोनों पक्षों को करके न्यायालय समक्ष पेश किया था, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अगर इनसे हम बात किया की गई तो बताया इन्होंने कि हम कई मुख्यमंत्री पोर्टल में भी शिकायत कर चुके हैं, जिलाधिकारी और एसपी को भी शिकायत किया, पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जी बबलू, नेता पर भी इसमें आरोप लगते हुए साफ तौर पर जी भाजपा जो वर्तमान विधायक जय कुमार जैकी है उनके ऊपर भी आरोप लगाया कि उन कहीं ना कहीं उनका भी हस्तक्षेप आ रहा है, इस वजह से हम लोग मामले में कार्रवाई नहीं हो पाती है। जी उनकी तरफ से कोई बयानबाजी इस पूरे मामले पर सामने आ पाई है बबलू? अभी तो इनसे संपर्क करना चाह पर अभी संपर्क नहीं हुआ है। जी बबलू, ठीक है बबलू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। मुरादाबाद में डकैती डालने वाले गैंग के सरगना सहित 6 गैंग सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ये लोग अलग अलग जिलों से जो कि एक जगह इकट्ठे होकर डकैती की योजना बनाते थे, और इन आरोपियों ने मुरादाबाद में ही एक मकान किराए पर ले रखा था, जहां से ये लोग योजनाबद्ध तरीके से पहले जहां डकैती डालने की योजना बनाते थे तो पहले कई दिन रैकी करते थे और उसके बाद अपनी योजना को अंजाम देते थे। पुलिस ने घेराबंदी करके मछोला पुलिस और एसओजी की टीम के साथ इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और गैंग का सरगना आशीष आईटीआई भी पास कर चुका है, और गिरफ्तारी के दौरान इन डकैतों के पास से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जो हाल ही में ठाकुर द्वारा ही दूसरे जिले से चोरी करना कबूल किया है, और इन 6 डकैतों के पास से लोहा काटने वाली मशीन, आरी, ब्लेड और कटर भी बरामद कर लिया गया है। फरुखाबाद के कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला जाफरी में दिन दहाड़े 2 लुटेरों ने घर में घुसकर अकेली महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया है। लुटेरे महिला की चेन तोड़कर भाग गए और लुटेरे चेहरों पर मास्क लगाकर आए थे। वहीं मामले को लेकर एसपी अशोक मीणा ने बताया कि पुलिस 3 टीमों को लगाया गया है। ये आज थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला ग्वाली टोली, जहाँ पर बबलू कनौजिया पुत्र प्यारलाल कनौजिया का मकान है, उनके घर पर उनकी पत्नी गीता देवी, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, वो निवास करती है, साथ ही साथ इनके पति भी और उनके 2 बच्चे हैं। आज सुबह जब इनके पति अपने ड्यूटी पर चले गए थे और उनके बच्चे भी जब स्कूल चले गए थे, तो करीब 7:58 पर 2 लोग इनके घर पर आए और इनकी बेल बजाई, और बेल बजाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका गिफ्ट है जो भैया ने भेजा है, और जो सामान आपने बिजली की दुकान से ख़रीदा था वहाँ से आपका गिफ्ट आया है। इस क्रम में गीता देवी के द्वारा दरवाज़ा खोला गया, दरवाज़ा खोलने के बाद इन 2 व्यक्तियों के द्वारा उनकी चेन तोड़कर वो वहाँ से भाग गए। इस घटना के संबंध में थाना पर FIR दर्ज कर ली गई है, और इसमें 3 टीमों को लगाया गया है, और जल्द से जल्द इसका अनावरण किया जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ फरुखाबाद से हमारे संवाददाता आदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो है दोपहर की घटना है, जब एक वन विभाग के लिपिक की पत्नी घर पर मौजूद थी, उसी समय कोतवाली पुलिस की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई। जिस तरीके से लुटेरे नकाबपोश मास्क लगाकर और नकाब पहनकर जो है जिस तरीके से घर में गिफ्ट देने के बहाने से बटन को दबाया, घंटी बजाया, उसके बाद जो है महिला ने आवाज दी तो बोले कि जो है ये तुम्हारा गिफ्ट आया है। उसके बाद महिला जब कुंडली खोलती है, उसके बाद जो है लुटेरे जो है घर में अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद महिला के गले में पड़ी सोने की चैन
को तोड़कर फरार हो जाते हैं। कोतवाली चंद कदम की दूरी पर लूट की घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। पुलिस कभी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जी जी आदेश, पुलिस की क्या कार्रवाई रही है अब तक? देखिए मैं बता दूं, घटना होने के बाद पुलिस ढिंढोरा पीटती है। जिस तरीके से एसपी फुरकाबाद ने बयान दिया है, कहा है कि पुलिस की तीन टीमों को लगा दिया गया है, जल्दी खुलासा किया जाए। देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस इस जिन लुटेरों को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी जी आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, फरुखाबाद के कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला जाफरी में दिन दहाड़े दो लुटेरों ने घर में घुसकर अकेली महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया है और लुटेरे महिला की चेन तोड़कर भाग गए हैं और लुटेरे चेहरों पर मास्क लगाकर आए थे, ये भी जानकारी सामने आई है। वही मामले को लेकर एसपी अशोक मीणा ने बताया कि पुलिस की तीन टीमें जो है वहां पर लगा दी गई हैं। फिलहाल मामले की जांच लगातार की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।